प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। आपको पैटर्न दिया हुआ है, ये स्टडी करनी है, इनको पढ़ना है आपको। ओके, सो 1 × 8 + 1 = 9। यहाँ देखिए, अब 1 के बाद एक नंबर बढ़ा दिया गया, 1 और 2, यहाँ इंटू में 8 ही आ रहा है ना, प्लस अब 1 की जगह नेक्स्ट नंबर 2 लिख दिया गया, तो देखिए 9 और 9 से एक लेस नंबर आ गया। फिर अब पैटर्न में देखिए क्या हुआ, 1, 2, 3, अभी 1 के बाद 2 लिखा था, अब 2 के बाद 3 भी आ गया, इंटू में वही 8, अब 2 की जगह क्या ऐड कर रहे हैं, 3। पैटर्न में हो गया 9, 8 और उससे एक लेस, 987। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, अब 1, 2, 3 के बाद 1, 2, 3, 4 इंटू 8, अब 3 की जगह क्या आएगा, 3 के 4 नेक्स्ट नंबर आ गया। यहाँ देखिए 987 और एक 7 से लेस नंबर। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 × 8 + 5 है ना, जैसे ही फिफ्थ आया, फिफ्थ यहाँ पे भी प्लस में 5 आ जाएगा, और 9, 8, 7, 6, 5, देखिए ये हो रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 × 8 + 5 = 9, 8, 7, 6, 5। हमें दो स्टेप और लिखने हैं, तो देखिए अगले दो स्टेप्स क्या हो जाएंगे, है ना, एक बार मैं सारे पैटर्न आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए ये इस तरह से कर रहा है, 1 × 8 + 1 = देखिए 8 × 1 = 8 होता है, 8 + 1 = 9, ये तो सिंपल आपको चेक करके बता दिया। फिर वो क्या कर रहा था, एक नंबर उसने मतलब 2 डिजिट नंबर लिख दिया, 1, और उसका नेक्स्ट क्या होता है, 2, है ना, ये पैटर्न बना रहे हैं आपके लिए, और यहाँ ऐड में नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट कौन होता है, 2, फिर आपके आंसर आ गया 98। देखो होता है 12 + 96 + 2 = 98। फिर उसने नेक्स्ट पैटर्न ये लिखा था, 1, 2, 3 × 8 + 3 = 9, 8, 7, फिर 1, 2, 3, 4 × 8 + 4 = 9, 8, 7, 6। देखिए यहाँ एक लेस हो गया, मतलब एक कम वाला नंबर, मतलब 4 डिजिट का नंबर आ गया, लेकिन सीरीज़ में आ रहा है 9, 8, 7, 6। अब आएगा नेक्स्ट पैटर्न, 1, 2, 3, 4, 5 × 8 + 5, तो यहाँ आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5। उसका हमको ये दो स्टेप्स लिखने हैं, तो अब मैं ये दो स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, हमने 5 तक लिखा था ना, अब हम कहाँ तक लिखेंगे, 6 तक, इंटू में वही 8 करेंगे, यहाँ अब क्या आ जाएगा, 6, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, अब इससे 5 से लेस नंबर 4, अब 4 तक आ गया इस सीरीज। एक और स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 × 8 + अब यहाँ क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो ये दो स्टेप्स हमको लिखने थे, तो ये इस तरह से सीरीज फॉलो हो रही है आपकी। आई होप आपको समझ आई होगी बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और रिगार्डिंग एनी अदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।